नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आज रणबांकुरे में बात करेंगे चीन और पाकिस्तान की नई चाल की। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर गलवान में चीन की चाल को देखते हुए भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है, जिससे भारत के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। पिछले साल जून महीने में ही गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी, जिसमें गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। वहीं एक बार फिर से इस साल जून महीने में ही बॉर्डर पर हलचलें तेज हो गई। रिपोर्ट है कि चीन ने फिर से LEC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। कुछ सैनिकों को सर्दियों में वापस बुला लिया गया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए उन्हें फिर से तैनात किया गया है, क्योंकि PLA ने तिब्बत में अपना युद्धाभ्यास जारी रखा हुआ है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट रहने को कहा है। इस चाल को देखते हुए भारतीय सेना ने LOC पर भी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। गलवान में हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली है और चीन से हर मुकाबले के लिए तैयार है। पिछले एक साल में चीन और भारत दोनों ने ही सुरक्षा घेरा को मजबूत किया है। PLA एक और जहां अपने सैनिकों को पूरे वर्ष रहने की ट्रेनिंग दे रहा है, साथ ही तिब्बत में पूर्वी लद्दाख की ओर अधिकांश प्रमुख हवाई क्षेत्रों और सेना के ठिकानों से निर्माण गतिविधि की सूचना मिली है। दोनों पक्षों ने पेंगोंग इलाके से सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, पूर्व सैन्य संचालन महानिदेशक का कहना है कि गलवान का मतलब है कि चीन को दूर के खतरे के रूप में नहीं माना जा सकता। ये स्पष्ट और वर्तमान खतरे का संकेत था। लद्दाख में चिंता का सबसे बड़ा क्षेत्र अब भी देपसांग मैदान है, जो गलवान के उत्तर में स्थित है। वन स्ट्राइक कोर, जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान पर केंद्रित थी, अब चीन सीमा पर उसका ध्यान केंद्रित है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को उत्तर पूर्व में सुरक्षा के लिए मजबूत किया जा रहा है। उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी भूमिका से मुक्त की गई असम राइफल्स बटालियन को भी चीन सीमा पर एक नई भूमिका मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।